के जुम्मा शायर के अहमद सरूरी साहब, बहरहाल आप सब लोग इनको जानते हैं, सरूरी साहब के फर्जंद हैं। यहाँ तमाम हाजी साहिबान, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम है, प्लीज़ नाराज़ नहीं होना, क्योंकि एक्चुअली आपको पता है कि जिन लोगों ने आम लोगों को बहकाने की कोशिश की, वहाँ हमारा एक अहम मीटिंग ठाठी में है, तो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बड़ा पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, इसलिए मैंने उनसे आज की कि मुझे थोड़ा सा प्लीज़ 2 मिनट दे दो। आपका यहाँ आना, आपका यहाँ जमा होना, मैं ये बात पहली बार 18 साल में आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि पहली बार सरूरी साहब की गैर मौजूदगी में आप लोगों ने जो यहाँ ऑर्गेनाइज किया ये सब कुछ प्रोग्राम, तो ये काबिले दीद और दाद है। क्यों? जब नेता आते हैं, जब MLA आते हैं, जब लीडर्स आते हैं, जब मिनिस्टर्स आते हैं, तो 10-20 लोग ऐसे भी साथ में चल के, हाँ जी हम भी आपके साथ हैं, हमदर्दी तो यही है। एक वर्कर का फर्ज मनसबी, उसकी कारकर्दगी, उसकी पहचान, उसकी पार्टी के प्रति हमदर्दी, उसके बुजुर्गों के प्रति हमदर्दी, उसके अपने लीडर के प्रति हमदर्दी, वो इसी चीज, यही चीज होती है जिसका सबूत यहाँ सामने है। मैं बहुत बहुत मुबारक दिल के अमीर की दिन गहराई से पेश करता हूँ। अब मुद्दे की बात, क्योंकि वक्त मेरे लिए अपने लिए बहुत कम है, मीटिंग का जो गर्ज गाइड है, यहाँ बड़े बोलने वाले हैं, स्पीकर हजरात हैं, लेकिन खासकर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो यहाँ बैठे हो अपने आप को तनोतना नहीं समझना, क्योंकि आप वो लोग हो जिन्होंने 3 बार सरूरी साहब को भारी अक्सरियत से यहाँ से दिखाया है। एक अहम बात, क्योंकि बहरहाल में इन चीजों को बहुत कम एक्सप्लाइट करता हूँ, 24 घंटे तो इंडिया आपको मैं रहता हूँ, लेकिन आज चीज एक खुल के बता दूंगा, जब 2014 का इलेक्शन हुआ, आपको पता है कि हालात कैसे बनाए गए, एक तरफ से मोदी लहर, दूसरी तरफ से मुफ्ती लहर, बदलाव, इसको छत ही नहीं था, इसको छत डाल के 3 लगा देंगे तो बदलाव, सड़क अच्छी है तारकोल बिछा देंगे तो बदलाव, टाटा में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी बना देंगे बदलाव, मुलानों में हायर सेकेंडरी है कॉलेज बना दें बदलाव, फलानी जगह स्कूल नहीं है तो बदलाव, PSC मुलानों को अस्पताल बना देंगे, बड़ा CHC कम्युनिटी सेंटर हेल्थ सेंटर, मार कोई आपने तो देखा कि बदलाव तो बहुत दूर की बात है, ये तो हमारे किए हुए को भी ठीक नहीं कर सके, और आज आप देख रहे हैं कि उन्हीं लोगों के चंद चमचे, मैं आपको एक इस बात के वादे निशान आज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो सरूरी साहब ने मुझे गाड़ी बताई कि अगर आज की डेट में MLA कहीं से बना, वो कहा के लोगों ने बनाया, मुझे उस गजात की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है, बगैर पार्टी पॉलिटिक्स, बगैर सियासत, बगैर चापलूसी के ये बात आज खुले आम समाज में के अंदर बता देना चाहता हूँ, ये अल्फाज है कि आज अगर मैं MLA बना वो कहरा से बना, क्योंकि आपको पता है पांचवा से तारक कीन, आपको पता है ठाठरी से मजीद भट्ट, और ये भी आपको पता है कि तनासुब के हिसाब से, आबादी के लिहाज से यहाँ हमारा तनासुब क्या है, वहां क्या है, आप इन चीजों को बगौर बखूबी जानते हैं। मगर एक और जो लोग, अब मैं पॉइंट पे आ जाऊंगा, बता देना चाहता हूं, जो आज ठाठरी के अंदर ये कहते हैं लोग, हमारे लोग भी गए यहां से जाने वालों को मैं बता देना चाहता हूं, ये जमहूरियत है, जहां जा सकता है कोई चाहे, कोई किसी को रोक सकता है ना, हिंदुस्तान की आईन में ये चीज है कि अगर सदर साहब कल किसे जाए मैं इनको रोक सकता हूं, इनका अपना हक है, लेकिन एक चीज जरूर बता दूंगा, इन जो लोगों को हमने खासकर सरूरी साहब ने अपनी फैमिली के बच्चों की तरह कंसीडर किया, वही लोग, उनको शर्म नहीं आती है शर्म के होने के लिए कि बदलाव लाएंगे, अरे तू तो अपने घर का बदलाव ला, फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं, निर्वाल है हमारा पूरा, पुल से लेकर लास्ट गांव, इसका तीसरा कोट है मेजर का है, वो रहता है मैदान वहां तक है, यहाँ चलने में 4.5 महीने लगते हैं, नायन का एक हमारा नायन, मैं खुले हाँ मुझे कोई ढंग से मेरा स्टेट सर्टिफिकेट कोई नहीं करने वाला, कोई भी बंदा नहीं, आप अगर हकीकत सुन
है, आप सबको पता है कि मैं 24 घंटे एक ही काम है मुझे कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इसको क्या किया, इसको क्या किया, ये तो आपको सब कुछ पता है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अल्लाह गवाह, कब्र तो खोल ली उन्होंने अपने लिए, ये तो गारंटीड बात है। आपने वो इधर दे रहे हैं ना उधर दे रहे हैं, लेकिन बातें करना भी बंद कर दें, वरना उनके खिलाफ में इश्तहार लगा दूंगा कराक के बाजार में कि उन्होंने कितने पैसे लिए, किससे लिए, कब लिए और कहां लिए, फिर उनके बदले में क्या किया। बेवाओं की पेंशन खाने वाले, फाइलें बनाने वाले, 500 रुपए उनसे यहां से ले, वो सारी की सारी ठाठी बाजार के अंदर जाके देख लो पेंशन ऑफिस से पड़ी हुई है, पैसे एडवांस में ले गए। टंकी बाथरूम बनाने वाले कि पैसे दे दो हम आपको टंकी बाथरूम दे देंगे बना के, कहां है बताओ ना, कहां बनी है टंकी बाथरूम भी। और आज वो ये बात कह देंगे नहीं जी बदलाव लाएंगे। चलो ये तो कारा की बात है, मैं मुद्दा आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ बड़े लोग आएंगे, खासकर कौन, हकीकत बात भी एक बता देना चाहता हूँ, जिसने अपने आप से एहतसाब नहीं किया वो उसने कत्ल किया, ये हदीस है, आप सब जानते हैं। एहतसाब मीन क्या है, अपने आप को मैंने पहचाना नहीं, मेरी बुनियाद क्या है, मैं सच बोलता हूँ या झूठ बोलता हूँ, उसका मतलब है कि मैंने कत्ल किया। उन लोगों को एक शक था दिमाग में कि आज गुलाम मोहम्मद सुरुड़ी साहब अपोजिशन में है, गावट किसी और की है, लिहाजा हम इसको प्रेशर बनाएंगे, क्या करेंगे, प्रेशर बनाएंगे। आपको एक बात वाजे कर देना चाहता हूं, 2008 की बात है, 2008 की बात है, मैं जनाबे मोहतर मकान सुरुड़ी साहब के साथ बैठा हूं सर्किट हाउस श्रीनगर में, थोड़ी सी और मैं लास्ट बोला, श्रीनगर में बैठा हूं, आज वो मंसूर होटल वाला, वो हमारे साहब का बड़ा प्रेज एक बार साथ थे, एक है वो नजीर जानते हैं आप सब लोग, वो आ गए। अब मैं बैठा हूं साहब का सामने, चाय शाय पिला उनको, चाय पिला ली तो मैं निकल के बाहर चला गया, मुझे साहब ने फोन किया एक बार आप कहां चले गए, अंदर आ जाओ। वो मंसूर बोलता है साहब को जनाब आप हार रहे हो 2008 में, बोलता क्यों, कहता हम ठाठी गेट है, हमने रजिस्टर बना के रखा कि सारा कैसे कितने लोग आपके साथ है। साहब बोलता आप दर इसको चेक करो, उसने सुरुड़ी साहब को पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 78,000 में 4400 वोट गिन के दिए हैं कि आपके। अब साहब बोलता मुझे, कहता इसका उससे मेरे सामने उसको पूछता है, देखो इसका अल्लाह अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल के सामने बात बोल रहा हूँ। साहब मुझे बोलता है ये क्या बोल रहे हैं, मैं कह रहा हो सकता है इनकी अपनी सोच है, हमारी कैलकुलेशन कुछ और है। बोलता इसका क्या हाल है, मंसूर बोलता इसके एक ही हाल, आप दे दो 25,00,000 रुपए मुझे, 5 दे दो नजीर को, कितने हो गए 30, 20 दे दो इकबाल को, कितने हो गए 50, तो 10 दे दो मुश्ताक कितने हो गए 60। साहब बोलता मेरे पास कुल 65,00,000 बच रहे, सीडीएफ के 60 दे दूंगा आपको। तो जनाब हम इस चुड़ताली वाले फिगर को